हाय फ्रेंड्स, एक और भी स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीटीपी मशीन के बारे में। ठीक है, आपको कुछ इसमें ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीटीपी ऑपरेटर हैं या सीटीपी के अगर आप मालिक भी हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि सीटीपी में एक होता हेड क्लैंप, एक होता टेल क्लैंप। ठीक है, यह तो आपको कोडक का हो या जो भी हो, जिस पे ड्रम आ गया तो ड्रम वाले जो भी मशीन होगा उस पे दो क्लैंप होता है, एक हेड एक टेल होता है। टेल क्लैंप जो होता है वो एक बार होता है, बार से उसको पुश किया जाता है, यानी कि बार में टेल क्लैंप 4 गो या 6 गो टेल क्लैंप रहता है। ठीक है, वो टेल क्लैंप है जो कि जाता है प्लेट पे और प्लेट पे जाकर के उस मतलब ड्रम पे सड़ जाता है, फिर वो बार ऊपर आ जाता है खाली होकर के। ठीक है ना, तो उसमें जो होता है टेल क्लैंप जो होता है वो टेल क्लैंप आपको हम एक वीडियो पर दिखाएंगे उसको किस तरीका से टेल क्लैंप अगर आपको निकल जाता है या अचानक अगर प्लेट प्लेट पे चल रहा प्लेट चलते चलते बंद हो जाता है, टेल क्लैंप रह गया आपका प्लेट पे। ठीक है, उसके बाद अगर बाद में उसको मैनुअल आप खोल के निकाल लिए तो अब टेल क्लैंप को किस तरीका से लगाया जाए। टेल क्लैंप को लगाने के लिए होता क्या है कि आपको पहले आपको उसका ढक्कन है जो कि खोलना पड़ेगा, बार के नीचे जाना पड़ेगा, वो बार है जो कि ऊपर आल रहता है। ठीक है, सारा का सारा टेल क्लैंप को आपको सीधा कर लेना, उसमें क्लैंप मिलाया जाता है, उसमें जो आगे पीछे होने वाला रहता है। ठीक है ना, अभी क्लैंप यहाँ पे है नहीं, नहीं तो हम दिखा देते हैं। तो क्लैंप इधर इधर होने का एक ऑप्शन रहेगा बीच में। ठीक है, उसको है जो कि सबको एक साइड, यानी कि 6 गो अगर आपका टेल क्लैंप है तो 6 गो को एक साइड कर लेना है। ठीक है, 6 गो को एक साइड कर करके उसके बाद है जो कि आपको वहाँ पे इस तरीका से पुश करना है। ठीक है ना, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं मशीन पे। पुश करने के बाद है जो कि इसको हम लोग जैसे दो आदमी मिल के दो दो हाथ से जैसे 4 गो 6 गो रहता है तो उसको हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, लग गया ना अब, यहाँ करने गया करने गया। ठीक है, साइड में जो कि एक बॉक्स रहता है वो बॉक्स खोलना है। उसके बाद जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है जो कि बहुत सारा जो कि आपका यहाँ पर कंप्रेसर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसर में देख सकते हैं ऊपर में 104 नंबर एक यहाँ पे कंप्रेसर वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 104 नंबर के नीचे में एक देख सकते हैं कि हम पेन से हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जहाँ पे पेन से जो कि इसको पकड़ के इसको हम इधर करेंगे, यानी कि अगर वो उधर रहेगा तो उसको पहले एक बार इधर कर लेना है आपको, उसके बाद टेल क्लैंप लगा करके उसके बाद है जो कि इसको पेन से जो कि आपको ढकेल देना है। ठीक है, तो जैसे ही आपको उसको उस तरफ मतलब पुश कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक है जो कि सब सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद है जो कि आपको क्या करना है, आपको सब टेल क्लैंप को आपको ऐसे ऐसे मतलब हाथ से जो कि आपको इस तरीका से जो कि पकड़ के हिला के देख लेना कि हाँ प्रॉपर वो ढक ढक ढकर कर रहा है कि नहीं, यानी कि मतलब कि वो नॉर्मल उसमें हिलना चाहिए। ठीक है ना, अगर चारों अगर 6 अगर आपको हिल रहा है तब तो आपका ठीक है, अगर नहीं हिल रहा है तो वो है जो कि फंस चुका है, उसको आपको हाथ से इस तरीका से ठोक करके या इस तरीका से आपको पुश करके आपको देखना है कि हाँ वो हिल रहा है कि नहीं प्रॉपर, जैसे कि हम यहाँ पे आपको हिला करके दिखा रहे हैं, तो इस तरीका का आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद है जो कि अगर ये प्रॉपर लग गया उसके बाद है जो कि आपको फिर बंद कर देना ढक्कन, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हम सोचे कि एक अभी कुछ दिन पहले है जो कि सौरभ के साथ ऐसे ही हो गया था, चंडीगढ़ के हैं तो उनके साथ ऐसे ही हो गया था, तो वो हमको फिर फ़ोन करके बोले, क्योंकि देखिए कोडक वाला में जो था उसमें हम उसको हमको पता नहीं चल रहा था कि दोनों एक जगह ऐसा जाकर उसको सटा हुआ था कि हमको उसमें कोडक में पता नहीं चल रहा था कि दोनों के दोनों एक जगह सट गया है दोनों, जबकि होना चाहिए था दूरी। हमको लगता है कि दोनों का उसका प्लेट का साइज शायद बड़ा था, इसी कारण से दोनों एक जगह जा करके स्टॉप मतलब सटा हुआ था, हमको पता नहीं चला। हम उसको बोले कि आप पहले उसको खोल करके देख लो क्या है उसमें। ठीक है ना, तो इसी कारण से हम सोचे कि अगर इस तरीका के प्रॉब्लम सभी के साथ होता है, इसी कारण से हम सोचे कि आप लोग के साथ भी ये चीज़ शेयर करते हैं, क्योंकि अगर इस तरीका से अगर आपको दिक्कत होता है तो हो सकता है कि आपको इंजीनियर से बात करना पड़े। अगर इंजीनियर को अगर बाई चांस नहीं लगे कॉल तो आप इस तरीका से आप कर सकते हैं, कोई नॉर्मली चीज़ है ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मगर ये आपको ध्यान देना है कि 104 नंबर होता है उसके नीचे जो कि पुश बार होता है उसको पेन से जो कि आपको इधर करना है, उसके बाद जो कि आपको उधर कर देना है, जैसे कि हम आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीका से कर सकते हैं और अपना
टेल क्लैंप को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा वीडियो लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली में इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। पूरा हिलाना ना आ जाएगा। देखो तुम्हारा ही हाथ वाला होगा लगता है। 302 302 है ना, इसको बाईपास करो। ले जाओ। हाँ ये ले लो, मामू उधर मार अपना। ठीक है चलो। ले देना। अब यहाँ करने गया करने गया। ठीक है।